पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ब्लॉग लिखा जिसमें उन्होंने अटल जी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के संसाधनों का उपयोग करते हुए हमें अटल जी के सपनों को पूरा करना है, नए भारत का यही संकल्प है। अटल जी की स्थिरता मुझे झकझोर रही है, अस्थिर कर रही है। एक जलन सी है आंखों में, कुछ कहना है, बहुत कुछ कहना है, लेकिन कह नहीं पा रहा। ये लाइनें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस ब्लॉग की हैं, जिसे उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर अपना दुख बयां करते हुए लिखा है। प्रधानमंत्री ने लिखा कि मैं खुद को बार बार यकीन दिला रहा हूं कि अटल जी अब नहीं हैं, लेकिन ये विचार आते ही खुद को इस विचार से दूर कर रहा हूं। क्या अटल जी वाकई नहीं हैं? नहीं, मैं उनकी आवाज़ अपने भीतर गूंजते हुए महसूस कर रहा हूं। कैसे कह दूं, कैसे मान लूं, वे अब नहीं हैं। प्रधानमंत्री ने अटल बिहारी वाजपेयी से पहली मुलाकात को याद किया और लिखा कि ये स्मृति ऐसी है जैसे कल की बात हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि देश और दुनिया अटल जी को एक स्टेट्समैन, धारा प्रवाह वक्ता, संवेदनशील कवि, विचारवान लेखक, धारदार पत्रकार और विजनरी जननेता के तौर पर जानती है, लेकिन मेरे लिए उनका स्थान इससे भी ऊपर था। सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे उनके साथ बरसों तक काम करने का अवसर मिला, बल्कि मेरे जीवन, मेरी सोच, मेरे आदर्श मूल्यों पर जो छाप उन्होंने छोड़ी, जो विश्वास उन्होंने मुझ पर किया, उसने मुझे गढ़ा है, हर स्थिति में अटल रहना सिखाया है। प्रधानमंत्री ने लिखा कि अटल जी गरीबों, शोषितों और वंचितों का जीवन स्तर उठाने के लिए हमेशा काम करते रहे। इसके लिए उन्होंने आधार कार्ड जैसी व्यवस्था, प्रक्रियाओं को सरल बनाना, हर गांव तक सड़क, स्वर्णिम चतुर्भुज, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे काम किए। उन्होंने लिखा कि अपने पुरुषार्थ को, अपनी कर्तव्य निष्ठा को राष्ट्र के लिए समर्पित करना वाजपेयी जी के व्यक्तित्व की महानता को प्रतिबिंबित करता है। यही 125 करोड़ देशवासियों के लिए उनका सबसे बड़ा और प्रखर संदेश है। देश के साधनों संसाधनों पर पूरा भरोसा करते हुए हमें अब अटल जी के सपनों को पूरा करना है, उनके सपनों का भारत बनाना है। प्रधानमंत्री ने लिखा कि नए भारत का यही संकल्प, यही भाव लिए मैं अपनी तरफ से और 125 करोड़ देशवासियों की तरफ से अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।